हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान है? जी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी भी बहुत अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। ये अलग बात है गेरुआ रंग रहता है, मगर कुर्ते पहनते हैं। क्या टोपी लगाने का नाम मुसलमान है? हमसे बड़ी बड़ी टोपी हमारे प्रधानमंत्री भी लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। इसलिए पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसों में नहीं आता। अल्लाह के वास्ते हम अपनी बिरादरी से गुजारिश करेंगे जो मेंबर पे बैठी हुई है, अगर बचाना चाहते हो ये जो बचा खुचा सामान है इसे बचा लीजिए। समझ रहे हैं? अरबी का एक सेंटेंस है, कल्लिम उन्नासा बिकद्र उकूलिहिम, लोगों से बात उनकी अकलों के मुताबिक की जाए। देसी कौवा मराठी बोल मसल मशहूर है ना। अगर एकदम गाड़ी गाड़ी उर्दू में अभी इस्तेमाल करना शुरू की, एक मुतरजिम की ज़रूरत पेश आए कि इस उर्दू का क्या मतलब होता है, तो वो सब बाउंसर चली जाए। अरे वो उनका कसूर नहीं है, अपना ही कसूर है। वो क्या करने के बेचारे, बैठा रहने दीजिए, अब एक घंटा मुझे भी झेल लीजिए आप जैसे सबको झेला है। बस ये हमारे यूट्यूब वाले सब जिंदा हैं माशाल्लाह, ये इस ताक में है कि किस पॉइंट को लेकर के हंगामा करना है ये इस ताक में रहते हैं। तो इनसे गुजारिश है, धंधा करना अच्छी बात कीजिए, अल्लाह आपके धंधे में बरकत करे, मगर अब इस धंधे का ये मतलब भी नहीं किसी को फांसी के फंदे में लटका दो। अभी बेचारे लटके हुए नहीं होते, जमानत नहीं हो रही है। तो इसलिए बड़े अदब से अर्ज है, इसके जरिए से आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तकरीर का हाफिज नहीं हूं मैं, मरना आंखें बंद करके सुना देता है घंटे की, लेकिन अब चूंकि आपका खाना भी खाया है, दूर से आए भी हैं, तो कुछ तो बहरहाल रोटी हलाल करनी पड़ेगी। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगा जगा के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जत ख्वाबे गिरां बदल डालो, सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बाद बां बदल डालो, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे अगर कोई सबसे ज्यादा बेवकूफ मंदबुद्धि कम सोच विचार की कोई कौम है, उस कौम को मुसलमान कहते हैं। माफ कीजिएगा जुमले बड़े सख्त हैं मेरे, वैसे भी मैं ऐसा ही कोई डॉक्टर हूं जो दवा कड़वी ही देता हूं। तो किसी भी शुगर के पेशेंट को थम्सअप नहीं पिलाना आता मुझे डॉक्टर साहब जी, और किसी भी हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बूटी नहीं खिलाना आता है। ये भी गुजारिश है इब्तदाए सुखन में अपने उलमा से, कौम को पीरों की तारीफ करते 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 इतना मत पगला दो कि अल्लाह का दरबारी भूल जाए। पूरी
पूरी तकरीर ले पीर दे पीर, ले पीर दे पीर। खुदा भी किसी जात का नाम है? जानते हो खुदा को जिसने पीर को भी पैदा किया, पीर के बाप दादा को पैदा किया, जिसने हमें भी पैदा किया, हमारे बाप दादा को पैदा किया। काश इस कौम को दीन सिखाया जाता तो हमारा सुन्नी जाहिल नहीं रहता। हमने पीर सिखाया है, फलाने पीर ढकाने पीर, वो जन्नत में लेके जाएंगे, वो किसी भी पीर के बाप की जन्नत नहीं है। जन्नत अल्लाह पाक की है, उस पाक रब ने जन्नत को मुस्तफा करीम के दस्ते अकदस में दिया है तकसीम करने के लिए। हाँ, इसलिए वो भी शख्स इंशाल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे जो कमबख्त जुम्मा नहीं पढ़ता। हाँ, जुम्मा ही नहीं पढ़ता, वो भी सीना ठोक के कहता हम ही जन्नत में जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस आपको है? नाम है आमाल में सब गोल गोल है, हम ही जन्नत में जाएंगे। वो काउंटर बता दीजिए जहां पर ये टिकट मिलता है जन्नत वाला, हम भी चले जाएं, लिया है टिकट उन्हीं से। यार अल्लाह इरशाद फरमाता, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको पलट कर तुम्हारे रब की तरफ नहीं जाना है? पैदा करने वाले का हक होता है, हिसाब उसे लेना है। इसलिए वो बहराइच के तराई इलाका में बसने वालों, मुर्गा मछली तीतर बटेर खा खा करके अपनी टंकी ओवरलोड करके मौज से सोने वालों, इतना धुने जाओगे शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। इस चक्कर में मत रहना कि मौलाना लोगों ने बहुत जन्नत बांटी है और पीर साहब भी जन्नत बांट के चले गए। ना इन मौलाना को पता है कि ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ना इस मौलाना को पता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हम काय की डिग्री नहीं यार लोगों को, यानी हम मंद बुद्धि के आदमी बन गए यार। अल्लाह फरमाता, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी नहीं है? मेरा रब कोई अपाहिज है? माज़ल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब ऐसा सुपर पावर है, ऐसी ताकत वाला है, दुनिया के सारे बड़े बड़े ताकतवर जिसके सामने धराशाही बने पड़े हुए हैं, उस अहकमिल हाकमीन को नहीं जानते हो तुम? रब ने खुद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। ए चुन्नू मुन्नू, ए चुप रहे यार, बड़ा हंस रहे यार तू। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? किस चीज ने? उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो ठीक ठीक बनाया और जिस शक्ल में चाहा तेरी तरकीब उस शक्ल में फरमाई। इंसान कुदरत का वो अनमोल शहकार है कि इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई भी कौम रब ने नहीं पैदा की। जिन्नात परी हूर गिलमान, सबसे ज्यादा खूबसूरत हमें और आपको हमारे रब ने बनाया है। लकत खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, अल्लाह कहता हमने इंसानों तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता है तो एक शीशा रखिए अपने सामने, अपने रुखे जेबा की जियारत फरमाएं और कुत्ते को देखें, कंपेयर कीजिए कौन अच्छा है।
अपने को देखिए, खंजीर को देखिए, देखिए कौन अच्छा है। अपने को देखिए, मेंढक, बिल्ली, छुछुंदर, कॉकरोच, सांप, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, देखिए कौन अच्छा है। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है, मजीद उसका करम ये, वलकत करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो हमें तुझे बुजुर्गी का ताज भी दिया है, बुजुर्गी का ताज। उस रब का एहसान भूल गए, एक खूबसूरत चेहरा है, जिगर गुर्दा कलेजी अतरी पचौनी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठीक बनाया अल्लाह ने, सब कुछ पैसा लिया उसने। अगर आप डॉक्टर साहब पास चले जाएं इलाज करवाने, एक टेबलेट भी फ्री नहीं देंगे, देंगे डॉक्टर साहब? एक टेबलेट फ्री नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कोई पैसा लिया रब ने तो उसका कुछ तो हक बनता है। अच्छा, जब तक आदमी गरीब रहता है तब तक तो ठीक है, चले भी। जब मालदार होता, गाड़ी वाड़ी लेके आ जाता है ना, तो गाड़ी पे ये नहीं लिखता है हाजा मिन फज़्ल रब्बी, लिखता है ये नजर मेरे पीर की है, ये नजर दौलत दिया रब ने, ये नजर मेरे पीर की है। वाह भाई, कमाल की थिंकिंग तुम्हारी है। जिंदगी रब देता है, सेहत अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, दौलत अल्लाह देता है, हयात व ममात अल्लाह के कब्जे कुदरत में, सेहत और बीमारी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, औलाद अल्लाह देता है, सब रब देता है। और जब मिल जाती है ये नजर मेरे पीर की, अपने भेजे में जो दिमाग है ना, नशे जिसमें थोड़ी रोशनी है, इसको थोड़ा और ढंग से तेज कर लो ताकि पता चले अल्लाह का हक है। रब ने कहा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि उसका मकाम पहचानना चाहिए। वो बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है। लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्ध, जमीन और आसमानों का बादशाह सिर्फ रब है। 3 और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पगला जाता है, उसकी तोंद इतनी फूल जाती है बेटे की है। और जो अल्लाह करीम सारे कायनात का मालिक है, खालिक है, उसका कोई हक ही नहीं पूछता। अल्लाह क्या कह रहा है, तुमने नहीं पहचाना अपने रब का हक जैसा कि तुम्हें पहचानना चाहिए था। अगर पहचानते, ओ सुन्नियों नमाज तुम पर फर्ज है, तुम पर, और तुम जुम्मा जुम्मा टिकाते हो। अगर मैं अभी हाथ उठवा लूं कितने लोग नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, तो इनमें से मैं समझता हूं 90% बल्कि 95% ऐसे सर झुका के बैठ जाएंगे। ओ लोगो, अल्लाह की रोजी हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वालों, सुबह भी 3-4 रोटी चेपने वालों, दोपहर में खूब तंदूर खा करके तो टंकी पे हाथ फिर के घूमने वालों, शाम को भी चर्रा के खाने वालों, फिर घूम करके चक्कर लगाने, हाजमा खराब नहीं होगा तुम्हारा। अल्लाह चाहे ना जो तुमने खाया है, अगर ये पचे नहीं ना, दुनिया का कोई टेबलेट तुम्हारे इस तोंद में गए हुए सामान को पचा नहीं सकता है। अपने रब का शुक्रिया अदा कर बंदे, अल्लाह का एहसान नहीं मानता। हमने पीरों का एहसान इतना बता दिया है, हर कोई पीर 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 पीर, जलसा नबी के नाम का, और रहते जा रहे हैं पीर साहब पीर साहब पीर साहब। भाई साहब, जलसा नबी का हो तो नबी की बात होनी चाहिए। हमारे यहां इल्ला माशाल्लाह तौहीद पर कोई खिताब नहीं मिलता है कि अल्लाह भी कोई है। ये वो इंसान है, रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीन
लम यकुन शयम मस्कुरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिले कदर चीज नहीं था, और नापाक कतरे से पैदा होने वाला इंसान इतना कैसे पगला गया है। रब ने किससे पैदा किया मैं और आपको, एक नापाक कतरा है, मगर ये कतरा है नापाक से वजूद पजीर होने वाला इंसान जब इंसानियत के दायरे में रह करके कुदरत का शहकार बन करके रब की फरमा बरदारी करता हुआ जिंदगी गुजारता है तो रश के मलाइका बन जाता है, और जब खुदा का हुक्म भूल जाता है तो दुनिया का जलील तरीन इंसान बन जाता है। शायद आज की तारीख में तमगा हम मुसलमानों के पास में, दुनिया हमें घास डालने को तैयार नहीं है, दुनिया हमारी आहो पुकार सुनने को तैयार नहीं, दुनिया हमारे जख्मी वजूद पर मरहम रखने को तैयार नहीं, इसलिए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, बदलिए। इन जलसों का फायदा यही होता है, अब तक बेनमाजी थे तो सुनिए महोदय जी, आज के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देना। अब तक बदमाशी करते थे तो आज के बाद बदमाशी करना बंद कर देना। अब तक झूठ बोलते थे तो अब झूठ मत बोलियो। चुगली गीबत करते थे, आज के बाद मत करना, और अगर करते हो तो जल से करना बंद कर दो। जनाब कोई सेंस नहीं है, चाहे मिर्ची लगे किसी को, चाहे नमकीन लगे, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं था। सीधी सीधी बात करनी मुझे आती है। डरिए अपने परवरदिगार से, या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो। रब से डरने का कैसा हक होता है, किसी से पूछो अल्लाह से बिल्कुल डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाँ कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं, ये डरना पाया गया था बोले अल्लाह से डरते हाँ डरते हैं, चुगली उगली नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं, तो काहे को डरते भाई साहब। चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्या दगदगे के साथ यार, कोई शर्म भी नहीं है, गैरत भी मर गई है, इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। अल्लाह कहता है इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बदलो अपने आप को। इन जलसों पे पैसे खर्च होते हैं, फ्री नहीं होता है। महक वाला, ट्यूबलाइट वाला, ये शामियाना वाला, ये जनाबे वाला, गद्दा वाला, होजी वगैरह वगैरह, ये सब सब पैसे लगते भाई साहब। खाना वाना माशाल्लाह, टंकी ओवरलोड, सब खा पी सब पे पैसे लगते हैं। ओ लोगों, इन पैसों का सत्यानाश करना बंद कर दो। कुछ मौलाना ने हमसे कहा, मौलाना यार आप ऐसी तकरीर करते हैं तो जलता ही बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा। यार कमाल की बात करते हैं, अल्लाह रज़ाक है यार, अल्लाह रज़ाक है। इन्नल्लाहु अर्रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, पढ़ा तेरा रब क्या कहता है। जो परवरदिगार चींटियों को रोजी देता है, चिड़ियों को रोजी देता है, कुत्ते बिल्ली गधे को रोजी देता है, सांप बिच्छू चंदूजर को रोजी दे, हम तो 6 फीट के इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, हमारा रब क्या हमें रोजी नहीं देगा। तो इन जलसों का जो मेन मकसद होता है कौम की इस्लाह हो, अगर वो इस्लाह नहीं होती है तो फिर समझ जाए इस डिपार्टमेंट के लोगों की पहले धुनाई होगी। हाँ हम भी उसमें शामिल हैं, हाँ ये बंदा इस समय मौलाना हमको कह के चले गए अपने नाम ने, हम भी उसी में शामिल हैं। इतने धुने जाएंगे मौलवी ना सबसे पहले कि छठी का दूध याद आएगा। हाँ जो जितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है, जो जितना बड़ा ऑफिसर होता है वो उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार होता है। और अल्लाह की मखलूकात में सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम हजरत इंसान है।
कायनात में कमाने वाली कौम का नाम हजरत इंसान है। इंसान के अलावा कोई मखलूक कमाती नहीं है। क्या सब मर गए? चिड़ियों को देखिए, कितने रंग बिरंगी चिड़िया है, इतनी छोटी से लेकर के इतनी मोटी तक। मछलियों को देखिए, माशाल्लाह, मगरमच्छ, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े। और अब जब सर्दी का मौसम आता है और कोई ट्यूबलाइट जल जाए ना, अल्लाह अकबर, कितने किस्म के लोग तशरीफ लाते हैं। छोटे छोटे कीड़े, इतने छोटे, इतने सरसों के दाने से भी छोटे, हाँ, इतने छोटे छोटे, दूरबीन से देखें तो भी उनके रुखे जेबा की ज्यारत नसीब ना हो। इतने छोटे छोटे कीड़े, लाल, पीले, गुलाबी, बैगनी, वो भी खाते हैं ना, कमाते नहीं है। अल्लाह ने सबको बनाया। जितने पार्ट ऑफ बॉडी एक हाथी में है, उतने ही सामान उस छोटे से कीड़े में भी। क्या रब की शान बेनियाजी है! अल्लाह सबको रोजी देता है। कई फतक फुरूना बिल्ला, वक्त नहीं, बिल्कुल तकरीर में मेरे नारा नहीं, सिर्फ सुनिए। मैं तकरीर जमाने नहीं आया हूं, तकरीर समझाने आया हूं। अल्लाह बड़ी शान का मालिक है। सारे के सारे जानवर सबको अल्लाह रोजी देता है, खिलाता है, पिलाता है। वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता पिलाता है। अगर हम उसके वफादार बन जाएं, क्या हमें नहीं खिलाए पिलाए? जब हम अपने अम्मा जान के पेट में थे, तब भी रब ने हमें खिलाया पिलाया। हम पैदा हुए, पैदा होते से पहले ही अल्लाह ने मां के पिस्तान में दूध की नहर जारी कर दी हमारे वजूदे मसूद के लिए। जो अल्लाह इतना शफीक, इतना करीम हम पर है, हम क्यों नहीं उसकी दहलीज़े करम पर अपने आप को हाजिर करके रब की बारगाहे करम में जबीने नियाज के मचलते हुए सजदों को लुटाते हैं? रब फरमाता, कैफा तकफुरूना बिल्ला व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अपने रब का इनकार करते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। क्या रब फरमाता? फअहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदा किया है। सुम्मा युमीतुकुम, हम तुम्हें मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें हम जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तेरे को पलट कर मेरी बारगाह में हिसाब देने आना है। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को हिसाब दे के पार निकल जाए? जिसके कारोबार की सेटिंग नहीं बैठती है, वो 150,000 रुपया चार्टर्ड अकाउंटेंट को देकर के उल्टे सुलटे कागज बनवा लेता है। मुतमईन करने के लिए। क्या आपने यह भी सोच रखा है उधर भी हमारी धप्पलबाजी चल जाएगी? झूठ बोल के अल्लाह को मुतमईन कर लेंगे? अल्लाह इरशाद फरमाता, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कुर्सी अदालत पर हश्र के मैदान में इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। फिर जानते हो क्या होगा? जितने दुनिया में सठियाए हुए सेंट नहीं घूमते हैं, थोड़ा पैसा आता है तो ये टंकी थोड़ी बजे यूं चलता बेटा, ताकि गांव वाले ही जान ले कि ये पकड़ा गया है कभी। अच्छा, जिसके पास पैसे पहले नहीं होते हैं और ठीक ठाक सुन्नी होता है और थोड़ा पैसे आने लगते हैं तो क्या कहता है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है। ऐसा कोई मिले समझ जाओ यही खबीज ठीक नहीं है। हाँ भाई, ये तो हलवा ठीक होगा या गोबर ठीक होगा? और जिसकी तबीयत शरीफ ठीक है वो हलवा ही को ठीक कहेगा। हाँ, तो वो थोड़ा सेकुलर हो जाते जी। हम कैसे किसी से बुरा बने? नबी के कद्दारों से दोस्ती करना अपने आप को जहन्नम के अजाब में डालने के मुतराबिफ है। दोस्ती करो नबी के दोस्तों से, और दुश्मनी करो तो नबी के दुश्मनों से। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह,
दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी से दुश्मनी हो तो भी अल्लाह के लिए हो। तो जो लोग पगला जाते हैं ना, बिल्डिंग विल्डिंग बना ली, कोठी बना ली, फॉर्च्यूनर लेके आ गए, या प्रधान जी बन गए, सरे पंच साहब बन गए, एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, बीडीसी बन गए, मेंबर। बीडीसी होता क्या होता है? हाँ यही होता है। तो जानते हैं क्या रहते हैं? बड़ा फॉर्म में रहता बेटा, और समझता हम है हम। अल्लाह ने देर नहीं लगती है औकात भुलवाने में। हाँ, जो पगलाए फिरते हैं ना, जब हश्र में अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा तो रब फरमाएगा लेमनिल मुल्कुल यौम, ओ दुनिया के अंदर पगला के घूमने वालों, अपनी कोठी की बाहर दिखाने वालों, गाड़ियों में घूमने वालों, मर्सिडीज में चलने वालों, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत है? लेमनिल मुल्कुल यौम, फरमाया गया सारी जबानें गुंग होंगी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, सब तरफ सन्नाटा होगा। अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहर करने वाले रब की बादशाहत है। दुनिया में किसी एमएलए से, एमपी से, मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लोग लेते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो हो साहब उसको एल्बम बना के रख दे। डॉक्टर बुलंद शाह, जफरुल्ला खान साहब, ये देखिए ना हमारा एमएलए के साथ फोटो है, ये मिनिस्टर के साथ है, कोई जन्नत का टिकट है क्या? और दुनिया के इन पागलों से चंद मिनट मिल जाने पर पगला जाने वाले लोगों, आओ तुम्हें हम वो दरबार बताते हैं जहां पर स्पेशली तौर पर अहकमुल हाकिमीन ने, बादशाह आजम ने, कादरे मुतलक ने, सारी दुनिया के बादशाह जिसके दरबार में कीड़े मकोड़े की हैसियत रखते हैं, वो रब फरमाता मेरे बंदो मुझसे बात करना चाहते हो, मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त दे रखा है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा, इस 5 वक्त में मुझसे बात करने आ जाया कर, और फिर भी तेरा दिल नहीं भरता है तो जब तेरा जी चाहे मुसल्ला बिछा और मुझे याद कर, मैं तेरे से बात करने को तैयार हूं। कितने लोग हैं जो अपने रब से बात करते हैं? खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल, ऐसे पगलाए फिरते हैं कमाई के चक्कर में, कमाना कमाना कमाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर से। अगर मेहनत से रोजी मिलती ना जनाब, तो उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मेहनत करता है उसको मालदार होना चाहिए, मगर हम देखते हैं मजदूर के सर का पसीना पैर तक आता है, शाम को दिहाड़ी 300-500 रुपए पाता है, और सेठ महोदय मर्सिडीज कार में घूमते हैं, ऐसी की तैसी में रहते हैं, एक ढेले का काम नहीं करते हैं, रुपया वो इकट्ठा करते हैं। उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए, मगर रोजी मुकद्दर से मिलती है। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिहि लबगौ फिल अर्ध वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के रोजी बांटना शुरू कर देना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब होकर रह जाएगा, बंदे जितनी तेरी कदर है उसी के मुताबिक हम रहमत का नुज़ूल करते हैं। आओ आओ पूछो अल्लाह से रोजी कौन देता है, कौन जिम्मेदार है रोजी का। उठाइए कुरान मुकद्दस 12वां पारा, यहीं से शुरू होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ध इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन,
जमीन पर चलने वाला ऐसा कोई भी जानदार नहीं है जिसकी रोजी रब के जिम्मे करम पे ना हो। कहां देना है, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना, ये सब कुरान में मौजूद है। तो फिर क्यों परेशान हो, आपका काम क्या है? और अब से पूछ लेते हैं, उठाइए कुरान मुकद्दस 17वां पारा। मेरा रब फरमाता हूं, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़्वा। ओ लोगो, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो। अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, कितने लोग हैं? जब खुद नहीं पढ़ता मर्दू तो बीवी बच्चों को क्या हुक्म देगा वो? और सुबह 9 बजे तक सोता, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब, कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है। नहीं के 2% क्वालिफिकेशन है मुसलमान के पास, ओनली 2%, और शायद इसी वजह से 2% ही भागीदारी हमारी हुकूमत के अंदर, जबकि हुकूमतें परेशान हैं, वो बाजाबता दीवारों पे होर्डिंग लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। इसके बावजूद भी हमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। मौलाना जो लोग होते हैं वो समझते हैं डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ये सब पागल लोग, और डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो इतने मौलाना सब पागल हैं। इस तरह की सोच रखने वाले मेरे नजदीक दोनों पागल हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाया है, उस हैसियत से दीन की खिदमत की। अल्लाह ने आपको लॉयर बनाया है, उस एंगल से आप दीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको इंजीनियर बनाया है, उस एंगल से खिदमत कीजिए। आप किसान हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। आप टीचर हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। कोई आदमी घास छीलता है उस ढंग से करे, रिक्शा चलाने वाला उस ढंग से करे। मौलाना साहब है तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। ऑब्जेक्शन करना छोड़ दीजिए और दिमाग शरीर की नसों को ठीक ठाक रख लीजिए, वरना इसके फटने में देर नहीं लगती है। उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, और जो इसमें मुबतला होता है बहुत कम लोग बच के आते हैं। जैसे लॉकडाउन की पीरियड में जो डॉक्टर जो गए हैं अस्पताल ना, उनमें से कोई बच के नहीं आया। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो अर्ज में कर रहा था साथियों, पढ़िए और अपने रब के मुखलिस बंदे बन जाइए। अल्लाह का वादा, लाइन शकर तुम लाजी दन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और नेमतें अता फरमाऊंगा। लेकिन कितना ही माल आ जाने के बाद अल्लाह और आ जाए, अल्लाह और आ जाए, अल्लाह और आ जाए, दे बेईमानी, दे लूट खसोट। अभी मरदूद को देखा है, क्यों बने कोई 2 हफ्ता 15 दिन की बात शायद, हाँ 15-16 दिन की, बाप मर गया उसका, तो अपने अब्बा को दफना के आ गया, तो बड़का जो लड़का था उस लड़के ने जानते हो क्या किया हजरत, अपने भाइयों के हक में डाका डालने के लिए रात के अंधेरे में गया, वकील से पूरा कागज बनवा लिया और कब्र खोदा अपने अब्बा की, मरे हुए बाप का अंगूठा लगा रहा है। कितने खबीज ज़हनियत के यार, भाइयों का हक डाका डाल करके खा जाने वाले लोगों, क्या तुमने ये समझा है हिसाब का कोई दिन नहीं है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी का हिसाब ना दे ले कि कैसे गुजारी है जिंदगी, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता है कि इधर का बंद होगा इधर से भाग के चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है साथी। जिन लोगों ने गोली मूंगफली की दुकान समझ लिया जन्नत को ना, उन पागलों के लिए ये मेरा स्पेशली मैसेज है, उन पीरों के लिए भी, उन मौलवियों के लिए भी जो सिर्फ पीर का प्रचार करते हैं। मैंने कई बार कहा है, अल्लाह ने मुझे दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुनकर के,
बहराइच शरीफ शहर के हवाले जो मुझे मालूम पड़ा,